तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं। ये हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ये रियलमी का मोबाइल फ़ोन है। और इस रियलमी के मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसका स्क्रीन टूट गया है। इस मोबाइल फ़ोन का काम्बो ख़राब हो गया है। काम्बो ख़राब हो जाने की वजह से हम लोग इस मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने वाले हैं। और मैं सर का भी परिचय कराना चाहता हूँ। सर, हमारे लिए मैं सर का परिचय कराना चाहता हूँ। सर हमसे 2-3 साल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन ठीक करा चुके हैं। और मैं वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कानपुर के अंदर खाली सर आप ही नहीं हैं, कम से कम सर हजारों लोग इसी तरीके से जुड़े हुए हैं जो मेरे पास आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा लेते हैं। सिर्फ हमको सामान का पैसा चाहिए होता है, बाकी किसी चीज़ का पैसा नहीं चाहिए होता है। क्योंकि ऐसा काम हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने बच्चों को लाइव रिपेयरिंग सिखा पाएँ। क्योंकि सर मैं आपको बताऊँ, दुनिया जान में कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जो इस तरीके से बढ़िया नया चकाचक मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में आएगा और उस मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन काम्बो डाल करके अपने बच्चों को दिखा पाएगा। कोई खरीद के नहीं सिखा सकता। हम लोग यहाँ पर सिखाने का मात्र मुझे लगता है कि 15-17-18 हज़ार रुपये बच्चों को सिखाने का पैसा लगता है। और इस तरीके अगर एक फ़ोन अगर देखा जाए तो कितनी कीमत का फ़ोन आपने खरीदा था? ये 15,000 की। 15,000 फ़ोन खरीदा था। 15,000 रुपये तो एक बच्चे की फीस नहीं होती है, लेकिन 15,000 का फ़ोन था। कोई भी आदमी अपना फ़ोन ख़राब नहीं करवाएगा, वो यही चाहता है कि मेरा फ़ोन बन जाए। तो हम लोग उस मोबाइल फ़ोन को बनाते भी हैं और बनाने के साथ साथ जो अपने लोग हैं उनको सिखाते भी हैं। तो जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरे पास आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग सेंटर कानपुर में पड़ता है, सागर मार्केट में। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का ही पूरा गढ़ है। चलिए, आज हम लोग दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन का काम को चेंज करने वाले हैं। और सर का जो काम को चेंज होगा ये मात्र किसी में 1150 रुपये में काम को चेंज होगा। इससे 1150 रुपये काम को आया। अगर इस काम को कोई पर्सन कहीं भी डलवाता है तो उसे 15-16 रुपये डालने का लिया जाता है और ये उसका खर्चा लिया जाता है। मतलब 300-400 रुपये कोई भी टेक्नीशियन अपने डालने का पैसा लेता है। और हम लोग इसका कोई चार्जेस नहीं लेते, सिर्फ हम काम को 1150 रुपये काम को आया है इसको हम लोग लगा देंगे और पूरा मोबाइल फोन चेक करके सर को देंगे। अब इसको खोलने का तरीका क्या होता है? सबसे पहली बात, जब भी आप मोबाइल फ़ोन को खोलेंगे तो आप उस मोबाइल फ़ोन का जो सिम ट्रे है ना, उस सिम ट्रे को आप बाहर निकालेंगे। ऐसे जब सिम ट्रे आपका बाहर आ जाएगा, ऐसे इसके लिए ओपनर भी आता है। जो रिपेयरिंग करने वाले हैं सब लोग, हम लोग ओपनर रखते हैं। नहीं ओपन रखना है तो हम लोग औजार भी रखते हैं। एक स्वर्ग पिक्चर आई थी जिसमें औजार का जिक्र राजेश खन्ना ने किया था। उसके हाथ में औजार आ गए तो बुढ़ा होने के बाद भी अपनी कंपनी दोबारा खड़ी कर दिया था। तो हमने इस मोबाइल फोन को पहले सिम को हटा लिया है। सिम हटाने के बाद इसका पीछे का जो बैक पैनल है वो हमको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। बैक पैनल खोलने के लिए इस बैक पैनल को हीट कर लेते हैं। हीट करने के बाद आप इसको आसानी से धीरे 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 करके इसको खोलेंगे। जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ताकत का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। ये बैक पैनल खोलने से पहले आपको देख लेना है कि ये बैक पैनल तुम्हारा किसका, स्टील का है, प्लास्टिक का है, किस चीज़ का है। आप इसको चारों तरफ से ओपन करेंगे। औजार है, कोई भी मोबाइल फोन का बैक पैनल आसानी के साथ में खोल लेता है। हल्का सा जो स्पेस बना लेते हैं, आपका सर मोबाइल फोन आपके सामने ठीक हो रहा है, आप बिल्कुल घबराना मत। क्योंकि जब किसी के सामने जब ऑपरेशन होता है ना तो उसको डर लगता है, जैसे मेरे मोबाइल फोन में क्या हो रहा है। ऐसे जब चल अच्छे से काम होते हैं तो कस्टमर के दिल की धड़कने बढ़ जाती हैं, लेकिन हम लोग यही भाई है ना, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करते समय थोड़ा सा टाँका ज़्यादा लग गया तो डॉक्टर क्या सोचता है, कोई टेंशन नहीं, 2-4 टाँका और लगा देंगे, ऑपरेशन तो हो ही रहा है। जहाँ 10 टाँके लगाने हैं तहाँ 12 लगा देंगे। तो ऐसे हम लोग इस मोबाइल फ़ोन को खोल लेते हैं। ये मोबाइल फ़ोन खोलने का तरीका है, रिपेयर करने वाले तो देखते हैं तो लोग परेशान होते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे सीख करके ऐसे काम करते हैं ना, ये ऐसे मोबाइल फोन चुटका होता है।
अब इसमें काम्बो देखेंगे तो इसका काम्बो का पत्ता जो लगा हुआ है नीचे लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है? नीचे लगा हुआ है। तो जब नीचे लगा तो आप सोचेंगे इसका पत्ता भी नीचे ही आएगा, तो जब नीचे पत्ता आएगा तो आप अपना मोटी बुद्धि से दिमाग ये सोचेंगे कि इसका पत्ता नीचे है, तो हमको बैटरी खोलने का कोई ज़रूरत नहीं, कहने की जरूरत है क्योंकि पत्ता लगाई नीचे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब खोलेंगे इस मोबाइल फोन को, इसको ड्राइवर लिया, पहली बार फोन खुल रहा है, पहली बार मोबाइल फोन खुल रहा है, जब से लिया एक साल के ऊपर हो गया, एक साल के ऊपर हो गया। चलिए ये हम लोग मोबाइल फोन का पूरा लाइव रिपेयरिंग हम आप बता रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट को इसी तरीके से चालू मोबाइल फोन में काम सिखाते हैं, और जो हमारे पास बच्चे लोग सीखने आना चाहते हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं और ट्रेनिंग लेकर के पूरा जा सकते हैं, अच्छी तरीके से अपना काम कर सकते हैं। जो मैं ऐसे भाइयों से कहना चाहता हूँ जो लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब करने में इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है, या बहुत सारे काम कर लिया है उसमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, या किसी कारणवश अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर नहीं सिक्योर हो पा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, थोड़ा सा इस लाइन में आइए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का इंडस्ट्री दिन ब दिन ग्रोथ कर रहा है। हर एक आदमी जो मोबाइल फ़ोन से जुड़ा हुआ है वो बेरोज़गार नहीं है। एक मोबाइल फ़ोन का 9 रुपये का टेम्पर लगा करके भी 40 रुपये का लगाता है और दिन में 1500 रुपये कमाता है और अपने मेहनत करता है, अपना बिजनेस करता है। पैनल पूरे निकले, कैमरा साफ कर देने बाद में आप बिल्कुल कैमरा हम साफ कर देंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। सारे स्क्रू ओपन कर लिए, सारे स्क्रू ओपन करने के बाद हम लोग इस बैक पैनल को खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, जहाँ से सिम ट्रे होती है वहीं से आप नाखून अंदर करेंगे, ऐसे धीरे धीरे। धीरे धीरे से खोलते हैं, जहाँ पर फंसने लगे तो समझ जाइए वहाँ कहीं ना कहीं कोई स्क्रू छुपा हुआ है, कोई चोर बैठा हुआ है जो पकड़े है बॉडी को। ये जादूगर है, इसलिए मोबाइल फोन खोलते समय ट्रिक का, दिमाग का, ताकत का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, इसमें ताकत नहीं लगता, इसमें कोई भी काम पहलवाने वाला नहीं है। आराम से खोलिए, आराम से खोलने के बाद बैटरी को सबसे पहले डिस्कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला काम बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है, जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेंगे आपकी सप्लाई पूरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये काम्बो का पत्ता दिया हुआ है, आराम से काम्बो का पत्ता डालेंगे, हटा दिए। जब आप काम्बो का पत्ता हटा देंगे तो काम्बो का पत्ता हटाने के बाद आप नीचे का पैनल खोलेंगे, नीचे का पैनल खोलने पर यह आपका फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, ये आपका नीचे का UI पत्ता लगा हुआ है, एक UI पत्ता ये लगा हुआ है। दोनों पत्ते को ओपन कर लेंगे, दोनों पत्ता ओपन करने के बाद इस UI को आसानी के साथ बाहर निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ये नेटवर्क एंटीना दिया है, आपको ऐसे जाली के नीचे नेट लगाना है और ऐसे उठा लेना है, ये खुल जाएगा, UI आपका बाहर आ जाएगा। हमने इसको इसलिए खोला है क्योंकि रबड़ की सीट लगी होती है, रबड़ की सीट को जब हटाएंगे तभी हमारा डिस्प्ले बाहर जाएगा। अब हमारा स्क्रीन ये बाहर आ गया, हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन को रिप्लेसमेंट करने के लिए स्क्रीन को बाहर निकाल देंगे। इसको जितने भी सारे लोग होते हैं जब भी रिपेयर करते हैं तो इसको हीट करके बाहर निकालते हैं, लेकिन ये ख़राब है फिलहाल, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप इसको कैसे भी निकाल सकते हैं।
और ये हमारा स्क्रीन निकल के बाहर आ गया है। इतना मजबूत होता है कि सर देखिए टूटा नहीं है, देखो देखा ना सर कितना मजबूत होता है, सही नहीं ओरिजिनल है ग्लास, इतना गोरिल्ला ग्लास है, लेकिन एक बात सोचो ग्लास ही तो गोरिल्ला है, डिस्प्ले थोड़ी ना गोरिल्ला है भाई, ऊपर से तुमने कोई चीज को ठोकर मारा तो ऊपर से नहीं टूटा लेकिन नीचे टूट जाएगा ना, लिक्विड खराब, हाँ लिक्विड खराब हो जाता है, इसको हरा दिया। अब हमने नया स्क्रीन लिया, नए स्क्रीन को हमने लगाया, लगाने से पहले जो ग्लू ग्लू है इसको अच्छे से साफ कर लें और हाथ को ऐसे प्रेस कर लें, ऐसा इसलिए ताकि इसमें कोई कांच का टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, अगर कांच का टुकड़ा कोई रह जाएगा तो हमारे एलसीडी में पत्ते में क्रिस्टल में कहीं छुप जाता है, फिर तो हमारी डिस्प्ले लगाते लगाते ब्लैंक हो जाती है। चलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमने लगा दिया, ये हमारा बढ़िया लग गया है। लगने के बाद स्क्रीन थोड़ा सा जहाँ से भी लाए तहाँ से लगता है थोड़ा सा छोटा है, स्क्रीन छोटा है तो इस स्क्रीन को हम लोग फिट नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा स्क्रीन लाएंगे तो फिट करेंगे। देखिए पूरा सागर मार्केट होता है, यहाँ से हम लोग खम्बो लेते हैं, इसमें कम से कम आपको 2 से 3 हज़ार दुकानें मिलेंगी पूरी मार्केट में। ये देखिए पूरी मार्केट है, ये मार्केट है, ये देखिए। अरे हम ही बात कर रहे थे यार, पता नहीं ना देगा नहीं, कोई नहीं हम कल बात कर लेंगे। हम लोग जब भी काम में लेते हैं सबसे पहले कामों को टेस्ट कर लेते हैं और जगह की दुकान में टेस्ट कर लो, जगह कभी कोई दिक्कत ना मिले क्योंकि इसकी काम को कोई गारंटी नहीं होती है, उसे लगा कर अच्छे से चेक कर लेंगे। मैं मार्केट से मात्र 20 कदम की दूरी पे, देखिए ये आपको अपना इंस्टीट्यूट दिख रहा होगा, ठीक है ये देखिए ये पूरे इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है अपनी, और ये देखिए आपको मार्केट दिख रही है, महज मात्र 20 कदम की दूरी पे पूरी मार्केट होती है, इसको सागर मार्केट बोलते हैं, ये देखो और ये अपना इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसका पूरा नाम है अजंता टावर, ये दिख रहा है ना अजंता टावर है, ये अजंता टावर है, अजंता टावर की बिल्डिंग में अपना इंस्टीट्यूट है। और ये देखिए मार्केट बहुत दूर तक, कम से कम मान लीजिए 500 मीटर की पूरी दुकान है अपनी, जो कि सारी दुकानों में काम वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, हैंडसेट है, डाटा केबल है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब इंस्टीट्यूट की ओर अब हम लोग आ चुके हैं, हम आपको दिखाएंगे कैसे अब इसमें काम बम फिट करेंगे इसको। और ये देखिए अभी क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, बैच सारे छूट चुके हैं तो इंस्टीट्यूट पूरा खाली है अभी, तो ये सारी क्लासें होती हैं अपनी। ये देखिए सर बैठे हुए हैं, हम अब इसको काम्बो को फिर से ये देखिए, ये दोस्तों हमारा फर्स्ट क्लास काम्बो चल रहा है। आप काम्बो चेक करने के लिए आपने इसको बटन में दबाया और ऐसे इसके चारों कॉर्नर पे ऐसे घुमा दीजिए, अब हम आपको समझाते हैं, ऐसे अच्छे से चेक करिए आपका काम्बो बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है। ब्राइटनेस बढ़ा के देखिए, ब्राइटनेस कम हो रही है कि नहीं हो रही है, कम हो गई ज़्यादा हो गई, बढ़िया काम चल रहा है ना, आप देख लीजिए अपने हिसाब से, हमसे अच्छा आपसे अच्छा कौन जानता है। तो सर हमारे पास बहुत पुराने कम से कम 2-3 साल से जुड़े हुए हैं, और सर को मैं बताता हूँ कि सर हमसे कैसे जुड़े थे, एक हमारे स्टूडेंट थे सर मार्केट में मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए आए थे, तो स्टूडेंट इनको लेकर गया था कि चलो यहाँ मत परेशान हो, चलो मैं तुम्हारा मोबाइल फ़ोन बनवाता हूँ, तो सर मेरे पास आए थे, सर का मोबाइल फ़ोन ठीक हो गया था, उसकी वजह से काफ़ी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं। अब हम इस मोबाइल फ़ोन में काम्बो को क्या करेंगे, इसमें फिट करेंगे। काम्बो फिट करने के लिए पहले UI लगा हुआ है, एंटीना है, ये सारी चीज़ों को आप लगा लेंगे,
बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता फिट करें, किसी भी चीज़ को फिटिंग करने में जल्दबाजी ना करें। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी, बाद में दिक्कत रह जाएगी। अच्छा, अगर आप वायर नहीं लगाएंगे तो वायर न लगाने से आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क की शिकायत आ जाएगी। वायर को अच्छे से कनेक्ट करें, सारे पत्ते अच्छे से कनेक्ट करें, सारे लॉक अच्छे से लगाएं। अब काम्बो में हम लगाएंगे ग्लू चिपकाने के लिए। ये ग्लू है, अब ग्लू लगाते समय देखो मैं आपको ऐसे सावधानी बताता हूँ क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, कैसे आपको मोबाइल फ़ोन में ग्लू लगाना है, किस तरीके से काम्बो लगाएंगे जिससे काम्बो प्रॉपर तरीके से लगे। इसका पुराना वाला काम्बो स्क्रीन कहाँ गया? ये देखो, जब भी आप काम्बो लगाएंगे तो ध्यान रखेंगे इसमें जाली लगी होती है। जितने काम्बो को चेंज करते हैं तो क्या काम करते हैं, वो जाली नहीं लगाते हैं। जाली ना लगाने की वजह से, जाली ना लगाने की वजह से डस्ट चली जाती है। डस्ट बढ़ जाने की वजह से काम्बो में स्पीकर रिंग जल्दी ख़राब होने लगते हैं। आप देखिए, इस जाली को लेंगे, साफ किया, इस जाली को रख लेते हैं। उड़ो अहमद भाई बड़ी मेहनत से निकाला तुमको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ग्लू लगाएंगे। ग्लू में ध्यान रखेंगे जहाँ पर सेंसर होता है वहाँ पर ग्लू नहीं लगना चाहिए। आप ग्लू ऐसा लगाएंगे आधा ऊपर की तरफ हो आधा अंदर की तरफ जाए, इससे रहेगा कि जब आप इसमें उंगली फेरेंगे तो चारों तरफ से बराबर प्रॉपर भर जाएगा, लाइटिंग नहीं निकलेगी और काम वो बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं डिस्प्ले की तरफ ग्लू लगा देते हैं जिससे हमारी स्क्रीनें ख़राब हो जाती हैं। ये जो हम आपको वीडियो डालते हैं ये सारी अवेयरनेस वीडियो होती हैं ताकि आप लोग देखें किस तरीके से हमारे पास लोग मार्केट में मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कराने के लिए आते हैं। और ये लोग जब मार्केट में मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कराने के लिए आते हैं तो इन्हीं की वजह से आपको सीखने का मौका मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? सीखने का मौका। हम लोग क्या करेंगे, जाली को जैसे था वैसे इसको सेट कर देंगे। जाली प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा, जाली सेट हो जाएगा। अब आप काम्बो लेंगे, काम्बो को आपने अच्छे से चेक कर लिया। काम्बो चेक करने के बाद टेप हटा देंगे, ये जो ग्लू लगा है इस ग्लू को हल्का सा साफ कर देंगे। साफ करने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि हमारा यहाँ पर क्रिस्टल होता है, इसके अंदर ग्लू नहीं जाता। फिर आप इसको पत्ते को अंदर डाल देंगे, पत्ते को अंदर डालने के बाद ऐसे आराम से सेट करेंगे। यहाँ पर सेट करते समय थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि यहीं पर जाली भी आपकी सेट हो रही है। ध्यान देंगे जाली प्रॉपर बैठी कि नहीं बैठी, नहीं बैठी तो आप उसको अच्छे से सेट करें, जल्दबाजी ना करें। पहले जैसा फिटिंग नहीं आएगा, क्यों फिटिंग नहीं आएगा? क्योंकि ओलेड काम्बो हमेशा पतला होता है, ये काम्बो हमेशा थोड़ा सा मोटा होता है। इसीलिए हम लोग ग्लू को साइड से निकाल देते हैं जिससे जो हम लोग ऐसे रफ करेंगे तो ये ग्लू भर जाता है। ये हमारा निकालने का पर्पस यही रहता है ताकि हम इसको अच्छे से चिपका पाएँ और साइड में हमारी लाइटिंग की समस्या ना हो। अब हमारा ये लग गया, उसके बाद फिर हम लोग इसको LCD का जो बेल्ट है बैटरी हटा देंगे। बैटरी हटाने के बाद जो LCD का पत्ता है उस LCD को पत्ते को हम लोग अच्छे से कनेक्ट करेंगे।
जो हमारा पत्ता कनेक्ट हो जाएगा, तो पत्ता कनेक्ट होने के बाद फिर हम लोग नीचे का यूआई को लगाएंगे। इसको आप इस तरीके से फिट कर देंगे। जब आप इसको फिट कर देंगे तो फिट करने के बाद फिर आप बैटरी को पत्ते को लगाएंगे। बैटरी पत्ता लगाने के बाद फिर आप इसको कैमरे को साफ करेंगे। आपके पास रुमाल है, एक कपड़ा दे दीजिए ताकि मैं इनको कैमरे को क्लीन कर देता हूँ। कैमरे में कभी ध्यान रखें, कभी हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ लगाने से इसमें स्पॉट आ जाते हैं और ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हाथ में जो फिंगर्स होते हैं वो फिंगर्स उसके अंदर आ जाते हैं। अब आप उसका जो लेंस है, इस लेंस को साफ कर लेंगे। इस लेंस में हल्का सा धूल मिट्टी डस्ट वगैरह कुछ भी चला जाता है, जिस कारण से कैमरे में क्लियरिटी डाउन हो जाती है। हम लोग अब इसको प्रॉपर तरीके से फिर से फिट करेंगे। धीरे धीरे करके बॉडी को पूरा फिट कर देगा। चारों तरफ से आप बिल्कुल क्रोम पे ही प्रेशर करेंगे, ऐसे नहीं प्रेशर करेंगे। ऐसे प्रेशर करेंगे तो आपके डिस्प्ले में प्रेशर पड़ जाएगा और डिस्प्ले ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। हम लोगों ने इसको फिट कर लिया। फिट करने के बाद एक बार प्रॉपर टेस्टिंग कर लेते हैं, देखें भाई सब कुछ सही है कि नहीं सही है। डिस्प्ले आ रहा है। डिस्प्ले आने के बाद फिर हम लोग इसको अच्छे से पैक करने के बाद, सब कुछ करने के बाद इसको कवर करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे, टच चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई चीज़ लूज तो नहीं रह गया है, कोई चीज़ ढीला नहीं रह गया, चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। हम लोग फिर से इसको ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद इसके जितने भी सारे स्क्रू हैं, सारे स्क्रू को अच्छे तरीके से प्रॉपर टाइट करेंगे। स्क्रू टाइट करते समय आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ताकत का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, जितना स्क्रू अंदर जाए उतना ही करना है। सारे स्क्रू को प्रॉपर अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे।
सारे स्क्रू टाइट होने के बाद फिर हम लोग पीछे का बैक कवर लगाएंगे। हमारा सारे स्क्रू टाइट हो गया, सारे स्क्रू कस गए। सारे स्क्रू कसने के बाद हम लोग फिर से ग्लू लगाएंगे, पीछे का बैक ग्लास लगाएंगे। इसके लिए ये जो साइड में ग्लू जो है इसको साइड में ग्लू लगाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कैमरे का जो लेंस है इसके ऊपर रख देंगे। ये हमारा लेंस रख गया है। इसके बाद फिर हम लोग अपना पीछे का जो बैक ग्लास है उस बैक ग्लास को इसके अंदर फिट कर देंगे। और ये हमारा लग गया है। लगने के बाद हम लोग इसको 2-3 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे तरीके से चिपक जाता है और रेडी हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे ये हमारा मोबाइल फ़ोन चालू हो गया। आप सर ये 2-3 घंटे बाद जब आप सूख जाएगा तो आप इसमें टेम्पर लगवा लीजिएगा। अभी आप इसमें 2-3, मैं फ़ोन को स्विच ऑफ कर दूंगा, आप फ़ोन पे पर जैसे पेमेंट कर देंगे तो आपका ये, मैं फ़ोन को बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद फिर 2-3 घंटे बाद आप इसको खोलिएगा, तब आप इसको यूज़ करिएगा ताकि आपका ग्लू जो है ये आपका अच्छे से सूख जाएगा। पासवर्ड क्या है? 8808। ये फ़ोन चालू हो गया है, ये पूरा इसमें नेटवर्क आ गए हैं, सब पूरा फ़ोन फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, मैसेज भी आ गया। अब थोड़ा सा इसको चला के आप करिए। अब इसको ज़्यादा टाइम मत लीजिए, सो उतना टाइम लीजिए जितना फ़ोन पे चलाते हैं, क्योंकि हमको बंद करना है इसको। तो सर ने देखो हमको पेमेंट डाल दिया है और मोबाइल फ़ोन ठीक हो गया है, क्योंकि सर के पास बोला था कि सर हम ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे, पैसा नहीं था कैश। आजकल देखो मोबाइल फ़ोन पर आदमी कितना डिपेंड हो गया है, वो पैसा भी नहीं उसके पास होते हैं, मतलब सारा पैसा मोबाइल फ़ोन के अंदर छुपा हुआ है। अब आदमी समझ सकता है कि मोबाइल फ़ोन के कॉन्टेक्ट कितने है। अगर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है तो आदमी राजा है, अब मोबाइल फ़ोन नहीं है तो भिखारी है, क्योंकि सारा पैसा तो इसी के अंदर है। ठीक है, हमारा मोबाइल फ़ोन ठीक हो गया, हमने मोबाइल फ़ोन को बंद कर दिया है और सर का मोबाइल फ़ोन और इसमें प्रॉपर हम अच्छी तरीके से रबड़ लगा देते हैं ताकि अच्छी तरीके से पैक हो जाएगा। पैक होने के बाद मोबाइल फ़ोन हमारा ओके हो गया है। इसको आप 2-3 घंटे पर हटाइएगा, पन्नी हटा दीजिए, कहीं भी इसको साफ़ करा के टेम्पर अच्छे से लगवा लीजिएगा और आपका
हो गया। अब सर मैं आपसे थोड़ा सा रिव्यू जानना चाहूँगा कि आप हमसे कैसे जुड़े और लोगों के लिए क्या आप गाइडेंस सलाह देना चाहते हैं। सभी भाइयों का धन्यवाद। ये हमारे राघवेंद्र सर हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सिखाते हैं और लैपटॉप का। लगभग 4 साल पहले हम नोकिया 2690, ये नोकिया कोई और मॉडल था, टच वाला, टच वाला 2.1 लेके सागर मार्केट आए हुए थे। तो वहाँ पे ऐसे ही बहुत ज़्यादा रेट बता रहे थे, तो मैं बाहर खड़ा हो गया था वहाँ पे जो अंदर बैठते हैं रिपेयर। तो यहीं के एक स्टूडेंट थे ईटेक के, मुझे बाहर मिले, बोले, मैंने उनसे ही पूछा, भैया मुझे रिपेयर कराना है मोबाइल, कोई शॉप ऐसी बताइए जो कम पैसे में अच्छा काम कर दे। तो बोले आप परेशान मत होइए, हमारे साथ चलिए, हमारे सर हैं। उस समय आपकी शॉप उधर हुआ कर श्रीदेव मंदिर के पास। उन्होंने मुझसे कहा आप चलिए, तो मैं विश्वास करके उनके साथ चला गया, क्योंकि मन में डर ये था कि फ्रॉड तो नहीं है। एक डर ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फ्रॉडिंग हो रही है, ये मुझे कहीं ऐसी जगह तो नहीं ले जा रहा है कि मुझे फंसा दे, मेरा पैसा भी चला जाए। खैर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं सर से आके मिला, सर बहुत अच्छे हैं, अच्छे से मिले, सम्मान किया, बैठाए, मेरा काम संतोषजनक किया। पैसे तो हर जगह लगते हैं, सबको पता है, लेकिन अगर कम पैसे में अच्छा काम हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। सर से मिले तब से हम इतना जुड़े हैं सर से कि मेरे पास कोई भी मोबाइल संबंधित या कोई भी लैपटॉप संबंधित प्रॉब्लम्स आती है, मैं सबसे पहला मेरा कॉल सर के ही पास आता है, सामने बैठे हैं आप पूछ सकते हैं, पहली कॉल आती है और सर मुझे संतोषजनक जवाब देते हैं कि आ जाओ, आपका काम संतोषजनक। मैं यही कहूँगा जिसको, जिस भाई को मोबाइल रिपेयरिंग या कुछ भी लैपटॉप संबंधित सीखना हो, तो एक बार सर से कॉन्टेक्ट करें, बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। धन्यवाद। तो मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों के लिए कि मेरे पास जितने भी सारे लोग हैं, जो लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर मार्केट में सर आपका ही नहीं, आप ही तरह मेरे पास पूरे कानपुर के अंदर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे पास सिर्फ, हमको सिर्फ सामान का पैसा चाहिए। आप समझ लीजिए कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चार्जिंग कनेक्टर है ना, हम लोगों ने 5-5, 10-10 रुपये में चार्जिंग कनेक्टर ठीक करते हैं, वो हम नहीं ठीक करते, हमारे बच्चे लोग ठीक करते हैं। और आपका वीडियो सर मेरा डालने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये रहता है कि मेरे पास सर ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, क्योंकि हमारे पास जितने सारे यूट्यूब पे जो बच्चे सीखने के लिए आते हैं, वो सर ये क्वेश्चन ये करते हैं कि सर आप सिखाते तो सिखाते कैसे हो। तो हमने सिखाने का ऐसा सिस्टम, इको सिस्टम ऐसा बिल्ड कर रखा है कि जितने सारे लोग हैं वो सब मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए हमारे पास आएंगे, और जब मोबाइल फ़ोन हमारे पास इसी तरीके से बढ़िया मोबाइल फ़ोन ठीक होने के लिए आएंगे, तो आप लोगों को सीखने को मिलेगा, हमारे बच्चों को सीखने को मिलता है। वरना सर चालू मोबाइल फ़ोन में दुनिया जान में पढ़ा तो सब कुछ देते हैं, लेकिन चालू मोबाइल फ़ोन में कोई नहीं सिखा पाता। उसके ना सिखाने का सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि उनके पास फ़ोन नहीं आते बनाने के लिए। दूसरी बात क्या है, उनको सिर्फ सिखाना आता है, रिपेयर करना नहीं आता। देखो, पढ़ाना और रिपेयर करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। रिपेयर वही कर सकता है जो सर ज़मीनी हकीकत पर काम किया हो, जिस बंदे ने काउंटर पर बैठ करके रिपेयरिंग करी हो, जिस बंदे ने दुकान जा करके काम किया हो, वही एक्चुअल में रिपेयरिंग कर सकता है। और कॉपी किताब की बात रहे तो कॉपी किताब की बातें कॉपी किताबों में रहती हैं, प्रैक्टिकली चीज़ प्रैक्टिकली होती है। तो हमारे पास जो भी सारे स्टूडेंट लोग होते हैं सीख करके जाते हैं, हम लोग इस लाइन में काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं और इतने साल अपने बच्चों को सिखाते हैं, और ऐसी चीज़ सिखाते हैं कि वो जा करके अपने दुकान पर बैठ करके अच्छी तरीके से काम कर सकें, ताकि उनको काम करते समय, रिपेयरिंग करते समय कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए। तो मैं आप ही स्टूडेंट के लिए कहना चाहता हूँ कि आप लोग चाहें तो मेरे पास ट्रेनिंग सेंटर को आकर ज्वाइन कर सकते हैं। दिन में कभी भी फ्री हो तो वीडियो कॉल के माध्यम से क्लास देखें, कैसे क्लासेस चल रही हैं। मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ, मैं खुद अपने हर एक बच्चों को सिखा के भेजता हूँ। मेरे पास कितना कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा आता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उसको मास्टर बना करके भेजता हूँ। अगर वो अच्छा नहीं सीख पाता तो मैं उसको ये भी बोलता हूँ, भाई तुम 2-4, 10 दिन, 15 दिन और रुको, आप अच्छे से सीख करके जाओ, ताकि आप अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक काम करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए। तो आप लोग जैसा आपने देखा सर का एक्सपीरियंस देखा, इसी तरीके से लोग मेरे पास आते हैं और आप भी ट्रेनिंग के लिए आप सीख करके जाएंगे। तो वीडियो में रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।